अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो खाना बनाने के खाने के रिलेटेड है, यानी कि आज हम लोग खाना बना रहे हैं किचन में। तो आप लोग देख सकते हैं सब, तो यहाँ पे यानी कि चिकन फ्राई हो रही है और चावल भी बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी सालने के यानी कि सालन बनाने की हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सॉरी। तो अभी बनाएंगे चिकन, देखें फ्राई हो गई है, तो अभी चावल भी उबाल रहे हैं, तो अभी सालन यानी बनाएंगे चिकन, ठीक है। तो यहाँ ये देखें अभी फिलहाल बिरयानी के लिए जो है तो सालन के लिए अभी हम लोग यहाँ पे टमाटर वगैरह प्याज वगैरह सब कुछ काट लिए हैं, ठीक है। काटना शुरू करेंगे तो आपको भी आगे भी दिखाते हैं, तो थोड़ा वीडियो को स्किप करेंगे, जब सालने के लिए रेडी हो जाएगा तब हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो आगे मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ये चिकन फ्राई कर रहे हैं आज, यानी कुकिंग कर रहा है, आज फ्राइडे है। ये देखें ये चिकन फ्राई हो रहा है, यहाँ हम लोग चावल को बॉईल करेंगे, ठीक है। चावल यानी राइस, तो चावल हैं देखें, चावल एंड राइस, ठीक है। तो ये चिकन है, चिकन को धोने के लिए डाल दिया है और कुछ फ्राई हो रही है। तो ये हमारा किचन है, ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम शुरू कर रहे हैं, ओके। तो आगे भी आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, में अभी चावल हम लोगों ने डाल दिया है, तो सालन के लिए तो अभी हम करेंगे, ठीक है, ओके। जैसे कि टमाटो, ठीक है, प्याज एंड फिलफिल बोलते हैं हम, पटाटो वगैरह, यानी सब चीज़ जो सालन के लिए वो कट चुका है। तो अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आपको आगे दिखाते हैं। तो देखें सब हो चुका है, अभी स्टार्ट करते हैं आगे। देखें ऑयल, हाँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्याज वगैरह डाल रहे हैं, देखें जैसे कहते हैं। अभी हम लोग प्याज को पहले फ्राई करेंगे, प्याज को फ्राई करने के बाद उसके बाद जो हम उसको मुर्गी डालेंगे, मुर्गी फ्राई करेंगे, आपको सब पूरा दिखाते हैं। तो आगे आप देखते जाएं, ठीक है। तो क्या बनाने के लिए डाल रहे हैं, तो हम लोग अभी प्याज को फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। प्याज जैसे थोड़े बहुत लाल हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग इसमें चिकन डालेंगे, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम लोग ने चिकन को वॉश कर लिया, अभी हम चिकन को इसमें डाल रहे हैं ताकि फ्राई करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ी देर तक हम लोग इसको 5 मिनट्स तक इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद फिर इसमें टमाटर वगैरह यानी कि दूसरे मसाला और सामान डालेंगे, ठीक है। तो इसका कैप किधर है,
चार मिनट के अंदर खलास होते जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं मानते। ये फरदेश में से है, हम लोग फरदेश के बिरयानी है, दुबई में रहता हूँ, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात। एक अफ्रीकी का आदमी, एक बांग्लादेश का, एक इंडिया का, हम लोग चार पांच साथ में। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने तकरीबन 5 मिनट इसको क्या कहते हैं फ्राई किया है, पहले प्याज किए, फिर उसमें चिकन डालने के बाद अभी हम लोग टमाटर डालेंगे, ठीक है। तो टमाटर डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए फिर वो करेंगे, अभी देखें ठीक है। टमाटर हम लोगों ने डाल दिया है और थोड़ा हम इसको मूव करेंगे, ठीक है। मूव करने के बाद थोड़ी देर इसको हल्की आँच पर छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने फिर बाद में मसाला डालना है, थोड़ा सा मसाला डाला है मैंने, ठीक है। तो इसको हम 5 से 6 मिनट तक अभी इस टमाटर के अंदर ही इसको हम फ्राई होने देंगे, ठीक है। उसके बाद हम पटाटो डालेंगे, आलू जैसे के, ठीक है। जैसे कि देखें ये हमने इसको भी बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, ओके। तो देखें फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग अभी आलू इसमें डालेंगे, ठीक है। तो अभी हमने कुछ भी इसमें पानी नहीं डाला, जो इसका मतलब जो ऑयल जिससे हमने फ्राई किया थी, क्या कहते हैं चिकन प्याज, ठीक है, उसी से ही हम इसको अभी तक उसी में ही हम लोग पका रहे हैं, कोई पानी या कुछ भी नहीं डाला। अगर लास्ट में पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो डाल लेंगे, नहीं तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन पटाटो हमने डाल दिए, अभी हम कैप दे के रखते हैं, ठीक है। राइस तैयार हो गए, चावल और अभी सालन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये फिनिश हो गया है सालन, ओके। ये चावल हैं, सालन है फिनिश, ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़।